बाहर की तरफ लंग्स नहीं फैलने देते हैं। ये जो दोनों लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स को रिब्स रोक के रखते हैं और लंग्स को बाहर से एयर का प्रेशर भी रहता है, तो कार्डिया को बाहर की तरफ लंग्स नहीं फैलने देते हैं कि यहां ब्लीडिंग हो रही है तो कार्डिया बाहर की तरफ फैल जाए। ज्यादा नहीं फैलने देते, थोड़ा सा फैलेगा, कुछ हद तक फैलेगा, लेकिन एक कार्डियोमेगेली के साइज के बाद वो नहीं फैलेंगे। लेकिन ब्लीडिंग नहीं बंद होती है, तब तक नहीं बंद होगी जब तक आर्टरी वहां की स्टिच ना कर दी जाए। ब्लीडिंग नहीं बंद होती है, ब्लीडिंग होती ही रहेगी। अब होगा क्या कि अगर, लेकिन इस एरिया, अब अगर ब्लीडिंग होती रहेगी तो जरूरी है कि पेरिकार्डियल सैक में स्पेस भी बनता रहे, तभी ब्लीड वहां ब्लड भर पाएगा। और ये स्पेस बनता है, कैसे बनता है? यहां से कार्डियक जो पेरिकार्डियल मसल है उसको बाहर की तरफ पुश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, इस एरिया में कोई स्ट्रक्चर होता है? यहां कोई स्ट्रक्चर है, मैस्कुलर स्ट्रक्चर या कोई भी स्ट्रक्चर होता है स्पेस में, वेंट्रिकुलर स्पेस में? कुछ भी नहीं है, वो तो खाली जगह पड़ा हुआ है। तो होता क्या है, जो ब्लड यहां भरता चला जाता है, ये ब्लड जितना ज्यादा भरता चला जाएगा एंडोकार्डियम को अंदर की तरफ पुश करता चला जाता है। समझ में आ रही बात? ये अंदर की तरफ जो ये इनर लेयर है, ये अंदर की तरफ बढ़ती चली जाती है और यहाँ ब्लीडिंग मैसिव ब्लीडिंग होती चली जाती है। ज्यादा वॉल्यूम इकट्ठा होता चला जाता है ब्लड का, 500 ml, 1 liter, 1.5 liter। और जो इंटरनल मसल है, इनर मसल है, ये अपने आप को आगे बढ़ाती चली जाती है, क्योंकि बाहर ये नहीं फैल सकते ये कार्डिया, ये आगे बढ़ाता चला जाता है। तो होता क्या है, वेंट्रिकुलर स्पेस छोटा होगा कि बड़ा? वेंट्रिकुलर स्पेस धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। जो ये वेंट्रिकल्स हैं, ये धीरे धीरे छोटे होते चले जाते हैं और एक समय ऐसा होता है कि जो कार्डिया का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये वेंट्रिकल्स हैं, इतने छोटे हो गए, और ये पेरिकार्डियम है, यहां पूरा ब्लड भरा हुआ है, ये पूरा ब्लड भरा हुआ है। मतलब वेंट्रिकल्स धीरे धीरे छोटे होते 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 होते, जितना ज्यादा ब्लड भरता चला जाएगा उतना ज्यादा वेंट्रिकल अंदर की तरफ पुश होता चला जाएगा। और हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि वेंट्रिकल का साइज कुछ इतना ही बचे और यहां सिर्फ और सिर्फ ब्लड भरा रहे पेरिकार्डियल सैक में, पेरिकार्डियल सैक में, क्योंकि ब्लीडिंग होता ही रहेगा, सिस्टम का ब्लड आता ही रहेगा जब तक उसको रोका नहीं जाएगा। तो वेंट्रिकल अगर छोटा होता चला जाए, उसका साइज छोटा होता चला जाए, तो जो आउटपुट, जो वेनस रिटर्न है, अगर वेंट्रिकल का साइज ही छोटा हो जाए, सोचो अगर 100% है तो उसका साइज 20% बचे, 30% बचे, तो फिर ब्लड आएगा किसी में? जो ब्लड यहाँ से आता था एट्रियम में, अगर स्पेस ही नहीं होगा तो ब्लड कहाँ आएगा? ब्लड की एंट्री हो पाएगी? होगी? नहीं होगी। ब्लड का इन होना ही रुक जाएगा, और जब ब्लड का इन होना रुक जाए, इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिक टेम्पोनेड। ये मैसिव पेरिकार्डियल सैक ब्लीडिंग के कारण भी होता है, या बहुत बार इन्फेक्शन हो, जब इन्फ्लामेशन प्रोसेस चल रहा हो और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए और यहाँ पर प्लाज्मा बहुत ज़्यादा भरना शुरू हो जाए, तो भी ऐसे होते हैं। लेकिन एक्यूट कारण जो हैं
वो ब्लीडिंग के हैं, जब यहाँ पर ब्लड भरना शुरू हो जाए, और क्योंकि बाहर ये फैल नहीं सकते हैं तो अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाता है, अंदर की तरफ पेरिकार्डियल सैक प्रेशर देता है, और ये प्रेशर है किसका, ब्लड का, ब्लड भरता चला जाता है और जो इनर वॉल है वो प्रेस होती चली जाती है और कार्डिया छोटा होता चला जाता है। और कार्डिया बड़ा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, तो स्पेस छोटा होता चला जाता है, और स्पेस क्या है, स्पेस तो एक खाली जगह है, उसको छोटा कर दिया जाता है, तो कार्डिया मसल ही बचती है बस, फिर एंट्री नहीं हो पाती तो आउटपुट नहीं होगा, सडन कार्डियक फेलियर होगा। क्लियर? एक्यूट कॉजेस ये सारे थे। क्लियर है यहां तक? नॉर्मली ये पेरिकार्डियम है, इसके दो लेयर हैं, ये इनर लेयर जो है ये डायरेक्ट कार्डिया से जुड़ा हुआ है, और ये आउटर लेयर है, यहां पर पेरिकार्डियल सैक। अब अगर इस पेरिकार्डियल सैक में कुछ भरना शुरू कर दिया जाए, अलग से पाइप लगाकर और यहाँ वाटर भरना शुरू कर दिया जाए, और इसको चारों तरफ से ऐसे बंद रखा जाए कि ये बाहर की तरफ फैल नहीं सकता, और यहाँ वाटर भरना रोका ना जाए, तो क्या होगा, ये वाटर अंदर की तरफ पुश करेगा अगर आप भरते चले जाओगे, जब ये कंप्लीट भर जाएगा उसके बाद भी अगर भरोगे तो ये अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो ये वॉल्स अंदर की तरफ खिंचती चली जाएंगी धीरे धीरे, और क्योंकि इनके चार चैम्बर हैं तो जब आप इनको अंदर की तरफ करोगे तो ये चैम्बर धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। तो हो सकता है कि एक समय बचा कि अगर आप वाटर नहीं रोकोगे तो ये चैम्बर इतने बड़े हो, इतने छोटे हो गए, और यहाँ मैसिव फिलिंग है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन इसको कहा जाता है, कार्डियक टेम्पोनेड है ये, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है। और जब बिल्कुल ब्लड आना यहाँ से एंट्री, अब इतने छोटे छोटे अगर चैम्बर हो जाएंगे तो ब्लड आएगा कहाँ, और भी छोटे हो सकते हैं,